कोल्हापुर के अखाड़ों ने देश को बड़े बड़े पहलवान दिए हैं। क्या आप जानते हैं देश का पहला ओलंपिक मेडल कोल्हापुर के ही पहलवान ने जीता है? और इनकी ताकत का असली राज है यह बादाम की ठंडाई, जो कि बनाई जाती है बादाम को इस पत्थर की कुंडी में कूट कूट के। तो चलिए जायका लेते हैं अखाड़े वाले देसी प्रोटीन शेक का। नमस्ते दादा। नमस्ते। आपला नाव? संतोष। ओके, आणि आज काय बनणार आहे? ठंडाई बनणार आहे। अच्छा, पण हे कशासाठी म्हणजे हे पिता? जे पोरं प्रॅक्टिस करतात ना, हा, कुस्ती वगैरे करतात, त्यांच्यासाठी? त्यांच्यासाठी। अच्छा, बनवा काय काय मला सांगा। काय यात? धन खसखस, बडीशेप। अच्छा, त्याच्यानंतर आता काय करणार? हे बारीक करणार आधी, हा, मग बदाम टाकणार। याचे फायदे काय काय? थकवासाठी वगैरे याच्यासाठी असतात। रोज पिता का? रोज। अच्छा, हा, आता काय जाणार याच्यात? ह्याच्यात आता आम्ही बदाम टाकणार आहे। बदाम टाकणार? हा, ठीक। बदाम कुठणार आहे म्हणा? हे कुठतंय? किती मिनिटासाठी? हे आता अर्धा तास। अर्धा तास, बरं। शायद पाणी उठणार आहे। पाणी बारीक करण्यासाठी काय होत आहे दादा? आता हे गाळायचं। गाळायचं? एक 4 लिटर थंडाई घालायची। आता याला गाळायचं का? आणा पाहून तेवढं बबले आणत तू किती बदलीत? कस निघतोय? कस निघतोय? सो भैया जी, ये बन चुका है। अभी इसको कौन पीने वाला है? ये पीने वाला है। ओके, इसने प्रैक्टिस की है। सो अभी इन्होंने प्रैक्टिस की और ये पीने वाले। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये यहाँ पे ऐसा होता है, ये लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग ठंडाई पीते हैं, जिससे रिकवरी होती है बॉडी की। ये देखिए, ये देखते, ये है रियल, ये है रियल बॉडी। ये देखते, ये देखिए,
कुछ बताना चाहते हो जिसको फिट रहना है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा दिन रात। अच्छा, तभी कुछ होगा, तभी कुछ होगा। थैंक यू सो मच।